दो गाड़ियों का गैप, ठीक है आज हार्ट बीट तेज हो रही है गाइस। ये क्या बकवास है। आज की जो वीडियो है इट्स अ फ्रेंडली ड्रैग रेस बिटवीन टू राइवल्स इन द मार्केट। एक मेरे राइट हैंड साइड पे आपको करोला क्रॉस नजर आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हैवल जूलियन एचईवी नजर आ रही है। ऑन पेपर अगर इसके आप फिगर देखना चाहें तो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे दोनों गाड़ियों के। ये 1800 cc है, ये 1500 cc है और दोनों नेशनली एस्पिरेटेड हैं। हमारे पार्क व्हील्स के चैनल के ऊपर आपको इनके एक्सपर्ट रिव्यूज भी मिल जाएंगे। लेकिन आज हम ये देखेंगे एक फ्रेंडली रन है बिटवीन टू कार्स के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर हम लोगों की ड्रैग रेस करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसी जाती रेस। मैं इनकी शक्ल देख के बता सकती हूँ, ये लूजर्स की शक्ल आप चेक कर सकते हैं। वो देखे उस गाड़ी में वे कम ले इजी लिया हुआ इन लोगों ने मुझे, अभी बताती हूँ। इंजन साइज गाड़ी का बड़ा है, 1.8 है, वो 1.5 है, दोनों नेचुरली एस्पिरेटेड हैं, दोनों के साथ जो है इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। बेसिकली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ये रेस की जाती है, तो इसलिए आप लोगों को बता दूं बाद में अगर आप लोग घर पे ट्राई करने की कोशिश करें तो ना करें। अच्छा, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे ना कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी पसंद है, तो आई विल चूज हैवल फॉर श्योर, बिकॉज मुझे इंटीरियर भी इसका ज़्यादा अच्छा लगा है, गाड़ी की लुक्स हेवल की ज़्यादा प्यारी हैं, तो मेरे लिए हेवल सबसे बेस्ट। हार्ट बीट तेज हो रही है गाइस। रेडी 3 2 1 गो। पिक में तो मैं आगे था शुरू में, लेकिन अब वो बड़ा आराम से, वो कहाँ गई गाड़ी, ओए होए 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 होए, एक नहीं दो नहीं तीन गाड़ियों का गैप है, अब फुल दबाई हुई है और ये क्रॉसिंग लाइन क्रॉस कर चुकी है। यार प्लीज लूजर्स मेरे साथ ना रेस लगाएं सुनील भाई, मैं नीचे नहीं कर सकता। हाँ बाओ, ये देख रहे हैं आप, ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने सुनील भाई को आउट कर दिया है। सलाम अलैकुम। अच्छा जी, तो अब एक नई रेस ट्राई कर लगे हैं और जस्ट टू मेक इट क्लियर कि गाड़ी में कितना फर्क है। सो मेरा ख्याल है दो तीन गाड़ियों के उससे गैप से तो मैं हारा था, तो अब ऐसा करते हैं कि दो गाड़ियाँ आगे खड़ा करेंगे क्रॉस को और फिर उनको शुरू करेंगे। 3 2 1 गो। अब हम पीछे से वो गाड़ी पकड़ी और ये देखो, ओए होए 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 होए, और उसकी हंसी जो है ना और खुशी उसकी कोई वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना लिमिट ही कोई नहीं है। ये मैं क्या देख रही हूँ, मैं अंधी हो गई, नजर नहीं आ रहा मुझे, ये क्या यार, ये एक गाड़ी के डिफरेंस से फिर बेइज्जती हुई है, मैं कह रहा हूँ रिपीटेड बेइज्जती हो रही है, ये क्या देखना पड़े, मैं अंधी हो गई सुनील भाई, ये क्या आप मुझसे हार रहे इतना दूर खड़ा करके। हाँ, सो इस दफा भी यानी अगर हम देखें तो गाड़ियों के क्विक होने का कितना डिफरेंस है कि लॉन्च ठीक था लेकिन एक गाड़ी के गैप के बाद भी उस गाड़ी ने पकड़ा, ना सिर्फ पकड़ा बल्कि इतने से क्वार्टर माइल के अंदर भी उसने क्रॉस करके अच्छा खासा गैप मारा। सो करोला क्रॉस को क्रॉस कर दिया, जो पहले स्टैटिक स्टार्ट में तो एचईवी ने जो है इसको उड़ा के रख दिया। अब हम देखेंगे रोलिंग के ऊपर। सो रोलिंग में ये है कि यहाँ से तकरीबन 100 मीटर तक हम दोनों एक ही स्पीड पे जाएंगे, एज वी क्रॉस दिस लाल बैरियर जो सामने खड़ा है, उसके बाद उठानी है। आने दो, फिर आ गए वो, और वो रोलिंग में भी बहुत ज्यादा आ गए ऐसे। सुनील भाई कितनी बार हार ले यार आपने, मतलब ड्राइवर अगर तुम्हें गाड़ी के ऊपर जाके ड्राइवर चेंज करके देख। मैं सोच रही हूँ कर लिया जाए, करो आज आखिरी, अब यही करते हैं, इतने से ज्यादा बिजी तो रह नहीं गई। नहीं नहीं, लेकिन क्रॉस को क्षेत्र पड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी मेल ईगो हर्ट हो रही है कि ये पापा की परी मुझे कैसे हरा रही है। अल्लाह, ओके गाइस, हम लोगों ने गाड़ी स्विच कर ली है, लेकिन देखें दुआ करें, बहुत ही मरा हुआ सीन महसूस हो रहा है। 3 2 1 गो। ये क्या बकवास है, ये बहुत सारी गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ी है। सो मेरे ख्याल से ये बड़ा क्लियर है कि रिगार्डलेस ऑफ द ड्राइवर, जो मर्जी ड्राइवर होगा, इस गाड़ी पे तजर्बा कार ड्राइवर हो ना तजर्बा कार ड्राइवर हो, ये गाड़ी जो है टोयोटा क्रॉस को हर तरह से आउट नंबर करती है, एक गाड़ी के डिफरेंस से, दो गाड़ी के डिफरेंस से, लॉन्च पे बगैर लॉन्च कंट्रोल के टोटली इसको क्लियर कर देती है। ये जीतने की खुशी में आपके लिए मैं ड्रिंक लेके आया हूँ, ये ले।
और सबसे एंड में हम अपने वेन्यू पार्टनर पार्क एवेन्यू का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें ये वेन्यू प्रोवाइड किया जहाँ पे हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सेफ्टी के साथ रेस कर सकते हैं। मैं आप सबको फिर बताता चलूँ, आम सड़कों के ऊपर रेस मत करें, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में मत डालें।